Jai Shri Krishna students, good morning. Welcome back to our AM school for online classes, e-classes. Today's class for the 10th class. Today we read about the active and passive voice. In our June classes, we already read about the, taught about the active and passive voice. Or from your lower classes, you already know about the, what is the active and what is the passive voice. The voice refers to the form of a verb showing whether the subject of a sentence performs the action, the active voice, or is the affected by it, then the passive voice. यानी जहाँ पर doer verb कर रहा हो और उसमें बताया जा रहा हो किसको active voice में यानी सीता सिंह से song. सीता एक गाना गाती है. अब इसी को ही ये active में यानी doer को हमने subject को first बता रखा है इसमें. अब इसी को ही जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके पैसिव वॉइस बनाते हैं तो गाना सीता के द्वारा गाया जा रहा है इसका जो पैसिव वॉइस हुआ ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाय सीता सीता के एक गाना सीता के द्वारा गाया जाता है और सीता गाना गाती है यानी दोनों में एक है ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है अब आपको सबसे मेन चीज ये है कि आपको एक्टिव को पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किन किन फाइव चीजों का पांच बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ये पांच चीजें जो पांच पॉइंट है आपके फाइव पॉइंट आप अगर आप कर लेते हो तो आपका एक्टिव से पैसिव में जो चेंज करोगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप उसको आराम से चेंज कर सकोगे सबसे पहला आपका इसका रोल है आइडेंटिफाई यानी हमें उस सेंटेंस में जो टेंस बता रहा है यानी आप टेंस पर सिक्स मैथ से पढ़ते आ रहे हो अगर आपको टेंस का नॉलेज है कि ये प्रेजेंट टेंस है ये पास्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर टेंस है तब आप उसको चेंज कर सकते हो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में फिर आता है स्वैप स्वैप करना मीन्स सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना स्वैप कहलाएगा फिर मेन वर्ब अब मेन वर्ब में भी आपका यह है कि आपको उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड इसमें आपका थर्ड फॉर्म आता है तो थर्ड फॉर्म भी आपको आनी चाहिए मेन वर्ब की यानी जो वर्ब आ रहा है उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब यानी टेंस में हम कौन से किस टेंस का क्या यूज करके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इसमें फिर आता है आपका प्रीपोजिशंस इसमें प्रीपोजिशंस के रूप में बाय का यूज किया जाता है अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रूल बोलता है हम इसका आइडेंटिफाई हाउ वी आइडेंटिफाई द टेंस तो आपकी वर्ब की जो फॉर्म दे रखी है इसमें क्या बता रखा है सिंस एस लगा रखा है सिंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा रखा है तो वो किस टेंस में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है फिर आता है स्वैप करना यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं ओके फिर मेन वर्ब आपका ये अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे कि आ गया आपका ऑब्जेक्ट क्या था ए सॉन्ग और आपका सब्जेक्ट लगा है यहाँ पर सीता सेव कर लिया हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में अब मेन वर्ब सीन दे रखी है तो सीन की आपकी थर्ड फॉर्म आती है यहाँ पर तो यहाँ सीन की थर्ड फॉर्म क्या आएगी सर फिर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के साथ में आपका प्रेजेंट की डेफिनेट टेंस में इज का यूज किया जाता है इसमें फिर आपका प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन आएगा यहाँ पर बाय देन एक सॉन्ग इज सम बाय सीता एक गाना सीता के द्वारा गाया सीता एक गाना सीता गाती है इसका आया ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया हरी रोड ए लेटर अब नाउ इसमें आप
आइडेंटिफाई कर लिया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और स्वैप करना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो दे ऑब्जेक्ट इज ए लेटर और आपका सब्जेक्ट क्या है हरी और वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ में हम क्या यूज करते हैं वर्ब और रोड की लाइन रोड और रिटर्न वर्ब की क्या है यहाँ पर थर्ड फॉर्म रिटर्न पाय हरी इस प्रोग्राम में आपको एक्टिव को पैसिव वर्ब बनाने का आपका मेन ये है तरीका आता है कि आप इन फाइव रूल को आइडेंटिफाई करना स्वैप करना मेन वर्ब केस की चेंज करनी और हेल्पिंग वर्ब और प्रीपोजिशंस अब आपने लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको हर एक टेंस का बता रखा होगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में ई जब आर लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें एक्टिव को पैसिव बनाएंगे और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दे रखा है तो उसमें ई जब आर के साथ में बीइंग का यूज किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट आपके परफेक्ट है तो है जब के साथ में बीइंग का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउ इसी प्रकार से आपका अगर पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो आपको उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में दे रखी है तो आपको वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट कंटीन्यूअस है तो आपको वाज वर्ब के साथ में बीइंग का यूज और वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट है तो हैव दे रखा है तो हैव के साथ में बीइंग का यूज किया जाएगा ओके स्टूडेंट और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस भी आपके पैसिव में बनते हैं तो उसमें विल सेल के साथ में बी ई का यूज किया जाएगा और अगर उसमें आपके कंटीन्यूअस है तो विल सेल बी के साथ बीइंग का यूज किया जाएगा ओके स्टूडेंट्स अब आपका इसमें बुक में एक रूल दे रखा है फर्स्ट रूल है कि अगर आप व्हेन वी डोंट नो द डोर ऑफ एक्शन व्हेन वी हैव नॉट कैन बी मेंशनड जैसे आपका एक दे रखा है लाइक दिस द गेट वाज सॉरी इसका आया समवन ओपन द गेट Someone opened the gate. किसी ने गेट ओपन किया था तो देख इसमें आपका सब्जेक्ट का गेट फिर ओपन दे रखा है तो यहां पर आपका क्या आएगा वाज ओपन ओके अगर समवन का है तो समवन के साथ में आप प्रीपोजिशन का यूज जरूरी नहीं है हम उसके साथ में इसका करें अब अगर नेक्स्ट देखा है सेकेंड रूल फर्स्ट ये सेंटेंस का है फिर आपने यूजुअली ए ट्रांजिटिव वर्ब आर पैसिव वर्ब बट सम इन ट्रांजिटिव वर्ब बिकम ट्रांजिटिव एंड व्हेन वी हैव प्रीपोजिशन इन एडेड टू देम एंड दे कैन बी पैसिव वर्ब अब आपने ये क्या दे रखा है कि ही आर
नेक्स्ट आपका यानी जवाब को दे रखा हो यानी क्वेश्चन दे रखा हो व्हाई डू यू स्टडी इंग्लिश। अब डब्ल्यू एच वर्ड आपका एजेंट ई प्रॉपर जब हम मैसेज बनाएंगे तब आएगा, फिर आपके आएंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हम इसका चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा वर्ड की थर्ड फॉर्म देन वर्ड एंड सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी जब हम जैसे हमने सब्जेक्ट ये जैसे जो बनाया था सिंगर सिंग्स ए सॉन्ग तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया ना, एज में ही क्वेश्चन में भी ऐसे ही मिल रहा है आपको व्हाई आपका ऐसे कैसे व्हाई। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से टेंस की बात हो रही है, यहाँ पर प्रेजेंट करता है इंडेफिनिट टेंस तो देन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ आता है। तो हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वर्ब बनाएंगे तो यहाँ यूज क्या करेंगे इज, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर में आ रहा है तो व्हाई इज। अब ऑब्जेक्ट आपका इज व्हाई इज इंग्लिश नेक्स्ट वर्ब की आप स्टडी स्टडी थर्ड फॉर्म स्टडी बाय यू क्या है ना स्टडी बाय यू ऑब्जेक्ट आपका यू और यू ए नहीं आपका जब वर्ब बू दे रहता हो तो बू का हम जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस बनाए सॉरी पैसिव वॉइस बनाएंगे बाय यू वर्ग की थर्ड फॉर्म
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक्टिव और पैसिव में चेंज करने का और टेंस में ऑलरेडी आपको करवा दिया। अब आपने इसमें एक्सरसाइज दे रखी है, वो आपको